Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to a new episode of A Day in My Life. So, आज मैंने सोचा कि मैं vlog करूँ an actual real day in my life and how I'm surviving this lockdown period. So, I just woke up like 1 minute ago and I was like, I just want to make the realest vlog ever. Usually, when I start vlogging, मेरी मॉर्निंग वॉइस लगभग जा चुकी होती है. आई हैव ऑलरेडी फ्रेशनड अप और मैं स्किन केयर कर चुकी होती हूँ, बट दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली लुक लाइक आफ्टर वेकिंग अप. सो एंड मेरे यहाँ पे पिम्पल पैचेस लगे होते हैं फॉर लाइक जो मैं रात को लगा के सोई होती हूँ, मैं फटाफट पैचेस उतार लेती हूँ, बट दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली लुक लाइक व्हेन आई वेक अप ऑल स्वोलन. सो या आई एम गोना फ्रेशन अप एंड आई एम गोना टेल यू गाइस कि क्या क्या मैं करती हूँ. ऑल्सो आज 5th अप्रैल है एंड मोदी जी ने बोला था कि रात को दिए जलाने हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट टू. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ क्वारंटीन रियल रियल डे इन माई लाइफ. It is 9 a.m. and Ravi is still sleeping. Good morning. Good morning. Kya bana hai khane mein? Paneer patty. Main vlog kar rahi hu. तो जस्ट फ्रेशन अप, बाल ठीक किए, ब्रश किया, मुंह धोया. अभी मैंने कोई स्किन केयर नहीं किया है. मेरे मॉम ने मुझे थोड़ा सा नारियल दिया खाने के लिए, बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले नवरात्र थे, सो कंजक के दिन मेरी मम्मी नारियल रख दिया. आई लव लव कोकोनट, आई लव कोकोनट वाटर, आई लव दिस, आई लव कोकोनट. आज मेरे बाल बहुत डर्टी है, मैंने 3-4 दिन से नहीं धोए हैं. सो यूजली मैं संडेज को ही बाल धोती हूँ अपने, लाइक आई टेक बाथ्स इन बिटवीन, बट हेयर वॉशिंग मैं वीक में एक बार या दो बार करने की कोशिश करती हूँ. सो यार टुडे इज़ अ संडे, वी गोना वॉश आवर हेयर. अलसो गाइस मस्ट बी थिंकिंग वेयर इज़ माय डैड. मेरे डैड फोर्टिस में काम करते हैं, सो ही हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल क्योंकि मेडिकल स्टाफ को छुट्टी नहीं मिलती है, बट ही ट्राइज टू कम अर्ली कुछ कुछ दिन. सिम्बा प्यूक्ड, आई हैव टू क्लीन दिस नाउ. जनरली मैं ये चीज़ कभी नहीं दिखाती अपने व्लॉग में, दिस इज समथिंग दैट आई एडिट आउट और आई डोंट इवन फिल्म, बट सिंस वी आर कीपिंग इट रियल, दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू व्हेन सिम्बा स्टमक इज अपसेट और ही इज नॉट फीलिंग गुड. एंड ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन टाइम हम उसको इतना बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं. ही इज रियली फॉन्ड ऑफ हाउस हेल्प्स एंड वो जब आती है तो इसका मूड बहुत अच्छा रहता है, बट यू कैन सी हिम राइट हियर, ही इज जस्ट बोर्ड ऑफ हिज लाइफ जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. सो आई एम गोना क्लीन दिस एंड I feel so bad right now. Like अभी तक मैंने बाल नहीं धोए, गोना टेक अ बाथ, वॉश माई हेयर एंड एवरीथिंग. ओके सो मे बी आई एम गोना वेयर दिस टुडे आफ्टर टेकिंग अ बाथ, बिकॉज मैंने अभी तक अपनी अलमीरा साफ नहीं की है एंड इट इज़ जस्ट अ मेस राइट नाउ. गर्मी के कपड़े निकाले नहीं है एंड आई हैव अ फ्यू हाफ स्लीव्स जो मैं मुंबई लेके गई थी यहाँ पे, सो आई एम जस्ट गोना वेयर दिस वन ट्रैक पैंट. दिस इज़ द बॉडी वॉश दैट आई हैव बीन यूजिंग, बहुत सस्ता है ये एंड ये अब इतना सा बच गया है, सो आई एम जस्ट गोना फिनिश इट ऑफ. आई हैव अ लूफा राइट देयर. अ लॉट ऑफ यू गाइज आस्क मी कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, सो दिस इज़ द वन दैट आई हैव बीन यूजिंग, ट्रेसमे का हेयर फॉल डिफेंस. एंड विद दैट आई ऑल्सो यूज़ दिस वन जो मुझे अहमद सर ने रिकमेंड किया था आफ्टर स्मूदनिंग एंड ऑल. एंड फॉर कंडीशनर आई हैव बीन यूजिंग दिस ट्रेसमे का सेम हेयर फॉल डिफेंस वाइट वन कंडीशनर. Came back from the bath feeling amazing. So I'm in my robe right now जो मैं सरोजनी नगर से लाई थी. I'm just gonna do my basic skin care, hair care and body care. Instead मैं अपनी body के लिए use करती हूँ this Mamaearth का Upton body butter, so I'm gonna keep it right here.
For my hair, I use this Kaya ka hair tonic. By the way, जिसने मेरा vanity tour नहीं देखा है, you should definitely watch it. And मेरे vanity tour में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, this is the portly that I actually use for my skincare generally. A little bit of skin care, a little bit of hair care. Now I'm looking fresh. Like this is the time jab main apne regular vlog start karti hoon. But yeah, I just wanted you guys to see this. Also, Ravi ab ut gaya hai. It is around 12:30 and Ravi kaafi late utta hai. And after that, he has his meltdown. Like autism mein kabhi kabhi usko thoda sa, you know, wo violent ho jata hai and all of that. But thankfully, abhi tak koi bhi meltdown nahi hai. Uska mood acha hai. Wo apne Punjabi gaane sun raha hai. He's really fond of Punjabi gaane. Tera Yaar Bolda is his favorite song ever and wo roz sunta hai. Uska ek routine hai ki pehle utke gaane sunne hai and uske baad fir fun school clay se khelna hai. So all of that. And mera routine ye hai. So abhi mummy bana rahi hogi lunch. I'm gonna go help her a bit, try to help her. So now we have decided to watch a movie. Har alternate day pe hum ye bhi karte hain, hum koi purani movie dekhte hain. So we have Amazon Prime at home and I'm just gonna try ki aaj hum Saudagar dekhne ki soch rahe hain. So finally on this app called Eros Now, I finally found Saudagar. So my brother is having a meltdown. Usne mukha maar ke sara khoon nikal liya. We tried to stop him. Then we gave him his anxiety medicines. Hopefully aadhe paane ghante mein they'll work. This is an actual day in my life where every 2 hours this happens. And then ke ek point mein I lose it like this. That is my life. I'll talk to you guys when I'm in a better mood, maybe. Lunch time tak everything gets better, tab tak papa bhi aa jayenge. I just had my lunch, bhindi, dal and roti, feeling better. Just wanted to talk to you guys about what happened a few minutes back. Okay, so this is what happens to me on a regular basis and har din ke 2-3 ghante baad Ravi rota hai. He hates himself. Sometimes it just lasts for like 5 to 10 minutes. We are able to pacify him. Sometime it just lasts for like 2 or 3 hours. So aaj ka aisa din tha ki I was trying to vlog. I was trying to make content for you guys. And tabhi main sabse zyada frustrate hoti hu jab in between my work Ravi aise karne lagta hai. I try to be as understanding as possible, but it is not possible every day. So today was one of those days when I broke down. And I'm still contemplating ki whether to put that crying clip in the vlog or not. But in case you guys watched it, just understand that this is not for any kind of sympathy. This is my actual real life. And if you don't have the maturity to understand it, just unsubscribe from the channel. I wouldn't mind. Just unsubscribe because I don't want, you know, heartless people on this channel. I really want you guys to understand what I'm going through on a regular basis. When I say in my makeup videos ki main waterproof mascara use karti hu because I'm a crier, that is not a joke. I actually cry and I break down a lot because of this
टर्मोइल एंड क्वारंटाइन में जो लोग सोच रहे हैं कि ओ वी आर गेटिंग बोर्ड, मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है, बाहर का खाने का मन कर रहा है, इट्स मच मोर देन दैट. इट इज दिस लाइफ. Some people live with in-laws that are abusive, parents that are abusive, partners that are abusive. Some people live with children who are mentally unstable, or children or family members that are specially abled. It is not easy. It is not easy to live with them. Mental health is real, anxiety is real, breaking down like this is real. And if I included this clip, I think I just want you guys to understand and know that everyone is going through their shit. एंड एवरी वन, मतलब लाइफ में हर एक के हिस्से में ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं. किसी के पास मेरे जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी तो कोई और प्रॉब्लम होगी लाइफ में विच इज़ गिविंग देम ट्रबल. एंड अपने आप को कोई नॉर्मल इंसान ऐसे रोते रिकॉर्ड नहीं करता है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू से समथिंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग देयर. एंड इफ आई इंक्लूडेड दैट, आई एम रियली सॉरी इफ यू आर नॉट अ फैन ऑफ क्राइंग, बट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो वी आर इन दिस टुगेदर एंड आई एम फीलिंग मच बेटर. आई क्राइड a lot after that clip also, and उसके बाद मेरे पापा घर आ गए and रवि को उन्होंने शांत करा दिया थोड़ा बहुत. रवि थोड़ा तो शांत हो ही चुका था, so now he's fine, he's playing with his fun school, listening to songs and I'm feeling better. So what I'm gonna do right now is try to edit a video, bags collection. I think जब तक ये vlog आएगा you guys must have watched my bags collection, so I am wearing a wig in that. If you who don't know, this studio is a mess right now. I have too much PR and I don't have anything like, oh my god, look at this mess. I have to clean this up. Meenakshi didi abhi tak nahi aa rahi hai. Mera studio ka wo dhyan rakhti hai. So this is a mess. Maine isko saaf kar liya. Everything looks clean yahan pe, even yahan pe. And this space, like mere paas ye L-shaped table hai, but this space is my favorite because yahan pe main baith ke editing karti hu. This is my editing space. Okay, so I have completed editing my bags collection. I will link it above if you haven't watched it yet. It is a long ass video, like it is kuch 17 minutes long, but yeah, the collection was so big so mujhe itna banana hi pada. Also while it's rendering, I just made my bags collection ka thumbnail, the how it looks like. For those of you who don't know, I use Photoshop and oh my god, what is this nail even about? But yeah, I made this thumbnail and मेरे bags क्योंकि ज़्यादातर black and brown ही है तो मैंने सबसे ज़्यादा colorful bags इसमें include किए. I have this whole folder named YouTube यहाँ पे and I just made my, not just, मैं 3-4 दिन पहले I made my outro जो आप यहाँ पे end cards और subscribe वगैरह देखते हो when my video ends, so I'm gonna start it and एकदम neon lights एकदम से भुज भुज की जलती है and I made this effect all by myself and I'm so proud of it. लाइक और ये कलर्स भी बदलता है, जैसे ये ब्लू है, अब थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा ऑरेंजिश हो जाएगा लाइक दिस. रियली रियली लाइक इट. शुरू से देखो तो ऐसे ये पिश 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 करके जलता है, आई रियली लाइक दिस. Alright, so it is 7:30 PM right now and I am craving some pancakes. मैंने यहाँ पे कुछ सामान निकाल के रखा है. I posted a pic जब मैंने first time pancake attempt किया था, eggless pancakes, because मेरे घर में अंडा और chicken वगैरह allowed नहीं है. जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ज़रूर खाती हूँ, but मेरे घर में my mom doesn't allow. So I made eggless pancakes from scratch without the batter of anything, because हम बाहर इतना ज़्यादा राशन लेने भी नहीं जा रहे हैं अभी quarantine के time पे. So I'm gonna tell you my recipe. पिछली बार मैंने पूरे घर के लिए बनाए थे, बट इस टाइम पे कोई हंग्री नहीं है एक्सेप्ट मी, सो मैं अपने लिए थोड़ा हाफ इंग्रेडिएंट्स करके बनाऊंगी. सो हियर इज हाउ यू मेक एगलेस हेल्दी पैनकेक्स एट होम. ओके, सो फॉर इंग्रेडिएंट्स यू नीड मैदा. आप आटा भी ले सकते हो, बट आई जस्ट रियली लाइक द फ्लेवर ऑफ मैदा. आई नो इट्स अ लिटिल फैटनिंग देन आटा, बट आई लाइक मैदा. देन मैं ओट्स भी इसमें मिलाने वाली हूँ. देन यू नीड, यू डोंट नीड चिया सीड्स एक्चुअली, बट मेरे घर में है तो मैं ले रही हूँ. दीज टू आर नॉट नेसेसरी, बट मैदे के बाद यू विल नीड बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, यू विल नीड
bananas. If you like banana pancakes, then you need powdered sugar. ये मैंने Nescafe के डब्बे में डाला हुआ है, but it is powdered sugar. Then you need some salt and some milk. And apart from that, you'll need 1 chamach of melted butter. So I'm gonna melt it in my microwave right here. Yeah, you also need a tawa or a non-stick like this. Okay, so मैं किसी कांच के बर्तन में 1 chamach बटर डाल रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोना डू इट फॉर लाइक 5 to 6 seconds. जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए आई एम जस्ट गोना टेक इट आउट. आई थिंक इट्स डन. ओके सो इट इज क्वाइट डन टू बी ऑनेस्ट. या आई एम जस्ट गोना मैश इट. Now to mix everything, you can take a glass bowl और उसके अंदर आप सब कुछ mix कर सकते हो धीरे धीरे करके, like separately पहले dry ingredients mix करो और उसके बाद फिर आप wet ingredients डाल के उसको whisk करते रहो without any lumps. You don't want any lumps and you want a thick consistency for pancakes ताकि वो जब pan में जाए तो अपना position hold कर पाए, वो बीच में से टूट ना जाए. But I don't like whisking that much, so इसलिए मैं अपना blender लेने वाली हूँ. I have this one right here which is from Wonder Chef. I think ये संजीव कपूर का ब्रांड है. आपको कप्स के हिसाब से मेजर करना है. आई एम गोना टेक दिस नॉर्मल कटोरी जिसमें हम दाल घर में सर्व करते हैं एंड आई एम गोना टेक 1 cup ऑफ मैदा और आटा. अगर आप आटा चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो. सो आई एम गोना जस्ट आई बॉल इट लाइक दिस. सो दिस 1 cup ऑफ मैदा इज गोना गो इनसाइड दिस. आई एम गोना टेक 1 tablespoon ऑफ ग्रेटेड this powdered sugar, grated powdered sugar. So I'm just gonna add it in this. Then I'm going to take 1/2 tablespoon of baking powder, just like this. This looks like a half to me. And then 1/4 chamach of this baking soda. I'm also gonna eyeball some oats into this because maine oats wali recipe nahi dekhi thi, but I really want to try. So main thode se oats iske andar like this dalne wali hu. Need like a pinch of salt in this. Also going to add a bit of chia seeds because I love chia seeds. After that, इसके अंदर मैंने half banana डाल दिया और half banana मैंने छोड़ दिया है like this. And उसके बाद अभी हमें अपने गीले ingredients डालने हैं. So I have 1/2 cup of milk. I'm just gonna pour it inside like this. This is 1 chamach of melted butter going inside it. Yum! Alright, so the frame might be a little teda, but just bear with me, okay? So this is how this mixture looks like. Very delicious. So I'm just gonna, like, मैंने इसको बहुत अच्छे से tighten कर लिया है and now I'm gonna attach it ऐसे. I hope I'm doing it in the right way. I'm just like making, like double checking everything because I don't usually work in the kitchen. So I'm just gonna switch this on and isko main is side twist karungi. This is how the batter looks like. Quite amazing, right? I'm kind of like dead right now kyunki isko maine fridge mein 5 minute aise set hone ke liye rakha tha and in between I tried to make Dalgona coffee thingy. मैंने सोचा था मैं Dalgona pancake बनाऊंगी. So मैं इतने like 10 मिनट से इसको फेटे जा रही हूँ and I think it's getting to that thick वाला stage and never give up. So I'm just trying to fetoing it and जब तक मेरा batter rest कर रहा है. That's my whipped coffee. My pan is hot right now. Yeah, it's hot. तो अब मैं इसको थोड़ा सा pour करने वाली हूँ. Like that. I'm just going to take the chamach and pancake को थोड़ा सा round बनाने वाली हूँ मैं because थोड़ा smoothie ball वाले से smoothie jar से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. But yeah, I'm gonna do just this. Look at that, pancake बन रहा है. And these bubbles that you see थोड़े थोड़े देर में अभी आएंगे. Like ये जो थोड़ा greeniness and bubbles आ रहे हैं that is because of the baking soda I think. Before paltoing you have to see कि अगर ये अंदर ऐसे हिल रहा होता है मतलब ये पलटने के लिए ready है. So I'm just gonna take it to a corner like that and oh my god, this is my true test. But it looks delicious. Do you freaking see that? How cute is this pancake? Oh my god.
I'm gonna dress it with bananas and honey and my dalgona thing that I made. And I'm just gonna serve this one right here. So while it's cooking, I'm gonna sprinkle some chia seeds in this like that. Oh my god, you guys, I can't believe I made this thick layer of pancake with dalgona and this. Oh my god, this looks like it came out of a restaurant, not gonna lie. I'm just so proud of it. This could have been a little better in terms of presentation, but otherwise, I'm pretty impressed. Now I'm gonna taste it. My god. With the banana, it's just like, and the best part is that आप इसको आटे के साथ भी बना सकते हो. इसके अंदर oats हैं, chia seeds हैं, less butter, sugar आपको नहीं डालनी तो आप skip कर सकते हो. And it is so fluffy and so airy. Like look at this layer. How crazy is that? Take this coffee के साथ. Now this is nice for those जिनको coffee का एक hint punch अच्छा लगता है. For me personally, I would say मुझे classic pancakes ही पसंद है. I don't even like, to be honest, I don't even like chocolate syrup or Nutella in my pancakes. तो मेरे लिए classic वाला portion ही ठीक है. But nonetheless, this dalgona thing is really nice. इसमें बहुत मेहनत लगी. मैं 15 मिनट तक मेरे हाथ दुख गए. Like this is a good arm exercise to whip it. Whipping is no joke. Just got done with washing all the utensils. आधे मेरी मम्मी ने धोए, आधे मैंने धोए, and then I set everything here. कितनी सुव्यवस्थित, कितनी organized लग रही है kitchen. So yeah, the kitchen is done. Okay, so अभी 5 मिनट है 9 बजने में, and my family is totally excited. I'm going बाहर देखने कि किसी ने candles वगैरह जलाई है या नहीं. Let me see. Yeah, people are lighting. I don't know why some people were like bursting crackers. Like that was not done. I didn't like that. Yeah, that is about it. I really love the fact that, see, people are bursting crackers. I don't know why they do it. It's not Diwali. It is 10:30 p.m. right now, and आज का दिन काफ़ी अच्छा था. अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. बाय द वे, जब मैं रो रही थी तो मैंने अनंदिता को अपनी एक क्राइंग सेल्फी भेजी थी. लाइक दिस इज अ थिंग वी डू व्हेन वी जस्ट आर इमोशनली एग्जॉस्टेड. एंड शी मेड अ मीम, अ वेरी क्यूट मीम दैट मेड मी लाव. सो थैंक यू अनंदिता फॉर डूइंग दिस फॉर मी. शी रियली डज टेक केयर ऑफ मी इमोशनली एज मच एज आई टेक केयर ऑफ हर. एंड काफ़ी अच्छा लगा आज थोड़ा सा पैनकेक्स खा के, एंड देन रात को दिवाली 2.0 बना के. अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं, प्लीज़ लेट मी नो. आई वुड लव टू डू मोर रियल व्लॉग्स फॉर यू गाइज. एंड या प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को. लाइक किए बिना मत जाना. कॉमेंट डाउन बिलो वॉट यू थॉट ऑफ दिस व्लॉग, वॉट यू थॉट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. And if you're seeing this face for the very first time, check out all the videos linked below. I know you're gonna love them. And if you do, subscribe to my channel, hit that bell notification to get updates on every time I upload a new video, every Tuesday, Friday, and now Sunday, subah subah 11 baje. And follow me on all my socials right there, especially on Instagram, because I'm super active there. And I'll see you next time. Bye.